हेलो फ्रेंड्स, वर्मीसली उपमा रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक चम्मच घी को कढ़ाई में गरम करके 2 कप सेवैयाँ सेक लेंगे। हल्का सुनहरा होने तक हम सेवैयाँ को सेक लेंगे। इसे अलग से एक प्लेट में निकाल देंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। कढ़ाई में फिर से एक चम्मच घी लेकर इसमें थोड़े से काजू रोस्ट कर लेते हैं। इसे भी अलग करके हम साइड कर देंगे। अब हम 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। इसमें 2 छोटे चम्मच सरसों के दाने मस्टर्ड सीड्स, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 चम्मच भिगोई हुई चना दाल, 2 चम्मच भिगोई हुई उड़द दाल, 8 से 10 कड़ी लीव्स, 2 बड़े चम्मच सिंग दाने, हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप कटे हुए आलू, 1/2 कप मटर, थोड़ा सा नमक, सभी को मिक्स करके ढक्कन लगा के सिमर होने के लिए 2 मिनट तक रख देंगे। घर में आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर यूज़ किया है। इसमें आप गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को हाफ़ कुक करेंगे। अब इसमें टमाटर डाल के, नमक डाल के 2 मिनट ढक्कन लगा कर रख देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। पानी को बॉईल होने देंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाता है हम इसमें सेवैयाँ डाल देंगे। सेवैयाँ को हमने पहले से ही सेक के रखा है। इसे हम मॉर्निंग के नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी डिश। इसमें हम हरा धनिया, काजू ऐड करेंगे। मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर सिमर होने के लिए रख देंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं हम ढक्कन हटाकर इसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और सेवैयाँ अच्छे से कुक हो जाए हम इसे सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।